भाई साहब ऐसे कौन टर्न करते हैं यार, बिना इंडिकेट करे टर्न कर देते हैं यार ये लोग। ओ भाई ये तो अच्छी है। When you see me, you better run. Playing duck, duck, goose with my gun. When you see me, you better run. Hello guys, once again, welcome back to the channel. So, आज हम लोग निकले हैं। और ये क्या है, इधर हायाबुसा लगी हुई है। पटना में अभी बहुत सारे सुपर बाइक्स आ चुके हैं और दिस इज आई थिंक वरना नई वाली वरना जो BS6 वेरिएंट है, मतलब लॉकडाउन में ना सबके पैसे निकल रहे हैं। सब क्या रहा है कि जितनी ऐश करनी है मौज करनी है कर लो, जो भी पैसे है जो भी सपने पूरे कर लो, क्या पता कल हो ना हो, अभी ऐसा वाला सीन चल रहा है। ऑल दो हम तो अभी निकले कुछ काम से, बट केसेज इतना ज़्यादा हो चुके हैं यहाँ पे, फिर से अभी मतलब कि शॉर्ट टाइम के लिए लॉकडाउन हो लगा है टिल 31 जुलाई। बट 4 बजे से 7 बजे तक हम लोग मतलब निकल सकते हैं अगर कुछ ज़रूरी काम है तो मुझे है कुछ अभी ज़रूर सा ही काम। एक्चुअली मुझे बैंक जाना है, तो जो मेरा मेन ब्रांच है वो पटना जंक्शन की तरफ है, तो उधर ही मैं जा रहा हूँ। तो ये मैंने पहले क्लियर कर दिया कि मैं ज़रूरी काम से ही जा रहा हूँ, बैंक इज़ नेसेसरी वर्क, ऐसे मतलब बेवजह का घूमने के लिए नहीं निकला हूँ। चलते हैं देखते हैं। बेसिकली क्या है कि आज 15 जुलाई है और कल जो मतलब 15 जुलाई जब आप लोग आज जिस दिन ब्लॉग देख रहे हैं, तो इस दिन से पूरा मतलब फुल लॉकडाउन लगने वाला है पूरे बिहार में, कंप्लीट लॉकडाउन जिसे कह सकते हैं। मतलब कि जैसा कि लॉकडाउन 1-2 चल रहा था स्टार्टिंग में, जो पूरा इंडिया लॉकडाउन लगा था उस टाइप का लॉकडाउन लगने वाला है। तो मतलब घूमने फिरने का वो वाला जो भी सीन है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा कंप्लीट लॉकडाउन लगने के बाद। एंड इट्स अ गुड डिसीजन बाय गवर्नमेंट कि लॉकडाउन लगना बहुत ही ज़रूरी है। आई कैन से दैट कि अगर 8 बज जाएंगे तो कल ही रहेंगे ज़िंदगी को, अभी ऐसा सीन हो चुका है। मतलब सेफ रहने पर भी ना इतना ज़्यादा केसेस निकल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी मतलब इस चीज़ को मजाक में ले रखे हैं। तो ये सारा मेजर पॉइंट्स है, बट लोग को सोचना चाहिए यार कि हर चीज़ ज़रूरी होता है, तो ऐसे ही नहीं लगा रहा लॉकडाउन या सरकार इतना बेवकूफ़ नहीं है पूरी गवर्नमेंट जो है। तो अभी हम लोग बैंक से निकले, मतलब कि वहाँ पे गए थे, तो बैंक 4 बजे तक बंद हो जाता है, जिस दिन मैं भूल गया था बैंक 4 बजे तक बंद हो जाता है। और जिससे मेरी कॉन्टैक्ट थी उसने कहा था कि बंद होने से पहले मतलब अराउंड जब बंद होने वाला हो तभी आना, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा खाली रहता है। और वो मेरा एक्चुअली चेकबुक का इशू है, चेकबुक फंसा हुआ है, मतलब कि वो पोस्ट ऑफिस मतलब गया था बट वहाँ से फिर वापस बैंक मतलब जिस ब्रांच में मेरा अकाउंट है वहाँ चला गया है। तो ये बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम हो गई यार, एक तो लॉकडाउन है ऊपर से चेकबुक मेरा फंस गया, पता नहीं अभी कहाँ होगा। तो बैंक भी बंद हो चुका था, बट क्या कर सकते हैं, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। जब सोचा कि निकले तो थोड़ा सा बस राउंड एक शॉट ले लेते हैं शॉर्ट्स पर, और मतलब बिना कहीं रुके बस शॉर्ट्स पर लेकर वापस घर की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि कल से तो कम्प्लीट लॉकडाउन लगने वाला है, तो कल से कुछ भी मतलब बाहर निकलने का सीन नहीं है। भाई साहब ऐसे कौन टर्न करते हैं यार, बिना इंडिकेट करे टर्न कर देते हैं यार ये लोग, तो चूतिए लोग ना। मतलब इंडिकेटर का नाम का कोई चीज़ होता है, ऑब्वियस जब मुझे अगर इंडिकेट करना है अगर राइट टर्न करना तो पहले से हम अपने लेन को चेंज करेंगे ना, कि सीधा जाकर सीधा राइट टर्न कर देंगे। और भाई ये वाली आज तो देखो भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ही सारा लग रहा है, मतलब क्या ही बताऊँ इसका।
जैसा हो चुका है वापस से, लॉकडाउन में जैसा असर दिख रहा था वैसा ही हो चुका है फिर से पटना अपना। इतना ज़्यादा खाली यार, मतलब क्या कहो, फिर से ना वही पुराने वाले वाइब्स आ रहे हैं। कुछ भी अब अच्छा नहीं है जैसा कि मतलब पहले हुआ था, सब कुछ खाली खाली सा, एकदम मनहूसियत सा हो जाता है मतलब ऐसा अगर देखने में, खाली खाली सा रोड, वो भी शाम के टाइम में स्पेशली अगर बोरिंग रोड और ये सब एरिया में अगर आप ऐसा जगह देखें और ऐसा खाली खाली सा रोड मिले तो बिल्कुल लगता है कि क्या मतलब हो गया यार अचानक से। और भी मैंने उसे जाने दिया बट भाई ने खुद देखा। सिर्फ टेक अवेज के लिए अलाउड है बट बैठ के लोग पी रहे हैं, ये तो गलत है यार। ओ भाई ये तो हस्की है, मतलब हस्की अब बिहार में भी देखने को मिल जाता है बेसिकली, वो सिर्फ ठंडे जगहों पे ही रहता है बट कुछ उसके जो मतलब लो ब्रीड्स होते हैं जिसे क्रॉस ब्रीड भी कह सकते हैं, तो जो उसका जो लो ब्रीड होता है वो लोग मतलब ऐसे टेम्परेचर को भी सह लेता है। और तो जो रख रहा है उसे ही पता होगा कि कितने मुश्किल से उस मतलब वो रखे होंगे उसको, जो भी डॉग लवर से पेट लवर से उन्हें पता होगा कि हस्की सिर्फ एक ठंडे जगह पर ही रह सकता है जहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल क्या करना क्या चाह रहे हो भाई यार। ऐसे ऐसे मतलब लोग ना धीरे चलाओ तो भी प्रॉब्लम है, लोग को इंडिकेट नहीं करना है जहाँ मन वहाँ से, इतना ज़्यादा भीड़ लगा रखा है भाई बताओ, मतलब कल से बंद होने वाला है अभी लूट लो, क्या पता कल कुछ मिले ना मिले अभी से लूट लो। बट यही चीज़ जो होता है ना मतलब अनएजुकेटेड लोगों का दिमाग यार ऐसा नहीं है, जो भी ज़रूरत की चीज़ें सारी खुलेंगे, गवर्नमेंट ने सब कुछ बोला कि खुलने वाला है, मतलब हर चीज़ स्पेसिफिक टाइम पर खुलेगा, तो वैसे उस चीज़ का आदमी यूज़ करे ना कि मतलब। लेकिन ऐसा है कि लोग ये मतलब कल से होने वाला है लॉकडाउन तो अभी जो मिल रहा है सारा कुछ उठा लो, स्टॉक भर लो, क्या पता दूसरे को जिसको ज़रूरत का चीज़ है वो मिले नहीं बट खुद को स्टॉक भर लेना। और पूरा डेली रोड जो है शाम के टाइम में इतना ज़्यादा खाली तो कभी नहीं मिलता देखने को जितना अभी दिख रहा है। क्या कर सकते यार, लॉकडाउन में सबको सेफ रहना ज़रूरी है, अच्छी बात है सब लोग घर पे सेफ रहे। यही था आज का छोटा सा वीडियो बस, कि आप लोग भी घर पे रहो सेफ रहो, होप तो जल्दी से कुछ वैक्सीन वैक्सीन मतलब बन चुका है पर ह्यूमन राइट जो भी हुआ है जो न्यूज़ में दिखा है अभी तक कि रशिया में ऐसा हुआ, तो होप तो वो वैक्सीन सक्सेसफुल हो जाए और जल्दी से वैक्सीन वैक्सीन आ जाए यार और सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाए। जस्ट प्रे फॉर इट, जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए और सब लोग का जो भी लॉस हुआ बहुत ज़्यादा सब कुछ बैक टू ट्रैक आ जाए, क्योंकि जब तक पूरी तरीके से सब कुछ ख़त्म नहीं होने वाला तब तक ऐसे मतलब कुछ दिन का लॉकडाउन लगने वाला फिर से हटने वाला, तो ऐसे कदम से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। और लगभग अभी इंडिया में मतलब 1 मिलियन केसेस होने वाले हैं लगभग, तो बी सेफ। और जो भी अभी CBSE 10th वाले का रिजल्ट आया तो सर तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट टू ऑल माय व्यूअर्स, जो भी अभी 10th का एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाए हो या फिर अच्छे एक्सपेक्टेड से ज़्यादा मार्क्स लाकर पास कर गए, तो इस चीज़ के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। तो फिर जल्दी मिलते हैं अगली ब्लॉग में।